क्योंकि दो साल से हमने देखा कोविड की वजह से कहीं भी कोई नहीं पहुंच पा रहा था. आज पप्पा जो है हर साल की तरह इस साल बहुत ही एकदम धमाके से आए हैं सबके बीच में. क्या कहना चाहेंगे सर? आई थिंक हमेशा दिन में तो धमाके से ही रहे. हाँ. और यही खूबी है गणपति बाप्पा की, जो खुशियाँ गाते हैं आप देखते हैं पूरे के पूरे कॉलोनीज एक साथ हो जाते हैं. सेलिब्रेशन हो, आरतियाँ हो, बहुत ही ज़बरदस्त होता है. और मैं खुश हूँ कि इस बार आप सिर्फ गणपति का त्यौहार नहीं, अगर आप ये भी देखेंगे अपना दही हंडी भी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जन्माष्टमी हुआ है जो बहुत खूबसूरत है. और मेरा मानना है कि यही त्यौहार की खूबी हमें लेकर आनी चाहिए और जोरदार लेकर आनी चाहिए. इसके बाद अगर आप देखोगे तो नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी, यू नो क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है. तो ये फेस्टिव सीजन हमेशा रहना चाहिए भारत में. भारत की खूबी यही है कि कल्चरली हम एक है. नौईद हो, दिवाली हो, होली हो, इतनी धूमधाम से मनाते हैं. तो रिस्ट्रिक्शंस ना रखते हुए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे को डिस्टर्ब न करते हुए अगर ये करें तो बहुत अच्छा. और मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ अब गणपति बाप्पा मौर्य ऊंचा वर्षी. सर इसके अलावा बहुत सारे आपने क्या दुआएं मांगी है इसके बारे में? दुआएं मैं मांगता कुछ नहीं हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको खुश रखना. और मेरा मानना है कि खुशी मांगना सबसे बड़ी दुआ है. अगर खुशी की वो दुआ हमें मिल जाए, 3 साल जो हमने गुजारा है तब हमने एहसास किया कि फैमिली और खुशी के अलावा कुछ नहीं, कि यार सब हेल्दी रहे, सब सेफ रहे. तो मैं सिर्फ सेफ्टी मांगता हूँ कि बाबा आपकी वजह से हम सब बाहर निकले. सर एक बार हो जाए गणपति बाप्पा मौर्य. गणपति बाप्पा मौर्य. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.